नमस्कार स्टूडेंट्स। देखो भैया, अपने हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास चल रही थी और उसमें अपने जो सेकंड चैप्टर है उसका अंतिम पार्ट है चोल प्रशासन, चोल वंश, उसकी अपने चर्चा कर रहे थे। और जो फर्स्ट पार्ट था अपने चोल वंश का, उसमें अपने चोल वंश के प्रमुख शासक, अपने जैसे करिकाल है, अपने इलंजेत चेती है, विजयालय है और आदित्य फरतम, यहाँ तक अपने पिछले वीडियो में अपने पढ़ चुके हैं। अब अपने उससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब आदित्य फरतम जो था, इसके बाद में चोल वंश का जो शासक आया था उसका नाम था अपने परांतक फरतम, जिसने 907 ईस्वी से लेके 953 ईस्वी तक शासन किया था। हालांकि काफ़ी लंबा चौड़ा काल है, इसने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया था। अब यहाँ पर देखो, इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो देखो, परांतक फरतम की जानकारी जो है वो हमें उत्तर मेरुर अभिलेख से प्राप्त होती है। कौन सा अभिलेख है? उत्तर मेरुर अभिलेख जो है, इससे हमें परांतक फरतम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इसी अभिलेख से हमें चोलों के स्थानीय स्वशासन की जानकारी भी प्राप्त होती है। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा आता है कि चोल प्रशासन के स्थानीय स्वशासन की जानकारी हमें किस अभिलेख से प्राप्त होती है। तो कौन सा है? उत्तर मेरुर अभिलेख। अब देखो, परांतक फरतम जो है, इसने इसके काल के दो प्रसिद्ध युद्ध है। पहला युद्ध तो आता है वह है अपने वेलूर का युद्ध। वेलूर का युद्ध हुआ था 1915 ईस्वी में, यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में परांतक फरतम जो था, इसने श्रीलंका के शासक कश्यप पंचम और एक शासक था अपने राजसिंह द्वितीय, पांडे शासक था ये, राशि है द्वितीय, इन दोनों को परांतक फरतम ने कौन से युद्ध में हराया था? वेलूर के युद्ध में हराया। और राजसिंह द्वितीय की जो राजधानी थी मदुरा, इस मदुरे के ऊपर परांतक फरतम ने क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया और एक उपाधि धारण की, जिसे अपने इतिहास में मदुरे कोंड के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन क्या हुआ? मदुरे कोंड की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? परांतक फरतम ने। क्यों धारण की? पांडे शासक राज सिंह द्वितीय को पराजित करके उसकी राजधानी मदुरे पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। कौन से युद्ध में हराया था? वेलोर के युद्ध में। दूसरा युद्ध आता है इसके काल का ही प्रसिद्ध युद्ध, जिसे अपने तकोलम का युद्ध कहते हैं। तकोलम का युद्ध लगभग 949 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में इसने राष्ट्रकूट वंश का शासक था, राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण तृतीय, राष्ट्रकूट वंश के शासक कौन? कृष्ण तृतीय। इसको क्या किया था? पराजित किया था। किसने? परांतक फरतम ने। अगला क्वेश्चन इसी में से पूछे जाने वाला, यह पहला शासक था जिसने लोह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। लोह एवं रक्त की नीति अपनाते हुए साम्राज्य का विस्तार करने वाला पहला चोल वंश का शासक कौन था? परांतक फरतम। यह हो गया आपके कौन? परांतक फरतम। देखो, दो तीन लाइन है, कोई विशेष नहीं है। जानकारी उत्तर मेरुर अभिलेख से, इसी से स्थानीय स्वशासन की जानकारी, दो प्रसिद्ध वेलूर और तकोलम का युद्ध, उपाधि कौन सी है? मदुरे कोंड। बस इतना ही अपने को याद रखना है। इसके बाद में देखो, कई छोटे मोटे शासक हुए थे, उनका अपने कोई विशेष उल्लेख नहीं है। एक एक क्वेश्चन है इनके ऊपर। दूसरा शासक आया था परांतक द्वितीय, इसमें आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है इसे इतिहास में सुंदर चोल के नाम से भी जाना जाता है। किसे? परांतक द्वितीय को। देखो, परांतक फरतम ये है परांतक द्वितीय, इसे अपने इतिहास में सुंदर चोल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में शासक आया था परांतक द्वितीय के बाद में उत्तम चोल। उत्तम चोल इसके काल की एक ही घटना अपने को याद रखनी है, यह
चोल शासकों में सोने के सिक्के चलाने वाला पहला शासक था। सोने के सिक्के मतलब चोल वंश के तो जितने भी शासक हुए हैं उन शासकों में सबसे पहले सोने का सिक्का जो है वो इसी ने चलाया था। क्या नाम है? अपने उत्तम चोल। यहां तक अपने बात क्लियर हो गई। अब अपने बात करते हैं मेन शासक की, राजराज फरतम की। देखो आगे चर्चा करते हैं अपनी। देखो उधर अपने पहले वीडियो में करिकाल था मेन, इधर अपना सेकंड जो वीडियो है इसमें जो मेन शासक है वो प्रांतक फरतम है। दो तीन क्वेश्चन है प्रांतक फरतम के ऊपर जो मैं आपको बता चुका हूँ, मेन मेन यही पूछे जाते हैं। दूसरा जो मेन शासक आ रहा है उत्तम चोल के बाद में वह है राजराज फरतम। राजराज फरतम देखो इसके काल की अपने बात करें तो इसने 985 ईस्वी से लेकर लगभग 1014 ईस्वी तक इसने क्या किया था? शासन किया था। मतलब लगभग 30 वर्ष तक इसने क्या किया था? शासन किया था। और 9वें वर्ष में अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में यह किस अभियान पे निकला था? विजय अभियान के लिए रवाना हुआ था। इसका वास्तविक नाम जो है वो क्या था? अरुमोली था। अरुमोली इसका वास्तविक नाम था। राजराज इसकी क्या है? उपाधि है। क्लियर है इतनी बात? अरुमोली क्या था? इसका वास्तविक नाम था। यह परांतक फरतम के बाद में दूसरा शासक था जिसने लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। पहली बार लोह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? परांतक फरतम ने अपनाई थी। यह दूसरा शासक था जिसने लोह एवं रक्त की नीति का पालन किया। इसकी उपाधियों की बात करते हैं। उपाधियां, सबसे पहली उपाधि तो आ गई इसकी राजराज। राजराज इसकी उपाधि है। वास्तविक नाम क्या था? इसका अरु मौली था। दूसरी उपाधि है इसकी जय गोंडदेव। जय गोंडदेव। तीसरी उपाधि है इसकी मुंडी चोलदेव। ये श्रीलंका को इसने हराया था तब यह उपाधि धारण की थी, मुंडी चोलदेव। अगली उपाधि आती है इसकी शिव पाद शेखर। मतलब शिवजी का यह भक्त था इसलिए यह उपाधि धारण की। और एक उपाधि और है इसकी, वह है चोल मार्तंड। ये प्रमुख उपाधियां किसने धारण की थी? राजराज फरतम ने धारण की थी। अब बात करते हैं इसके लोह एवं रक्त नीति के तहत की गई प्रमुख विजयों की। देखो सबसे पहले जो विजय आती है वह आती है, इसका सबसे फेमस जो युद्ध है वह है कंडलूर का युद्ध। कंडलूर का युद्ध देखो, कंडलूर का युद्ध है। इस युद्ध में इसने अपने पड़ोसी शासक कौन? चेरों को हराया था। और चेरों को कौन से युद्ध में हराया था? कंडलूर के युद्ध में हराया था। इसलिए इसने चेरों को हराने के उपलक्ष में कंडलूर मालेकल, कंडलूर ये सॉरी कंडलूर सालेकल, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं भी। इनकी उपाधियां कुछ ऐसी हैं, इनके नाम अपने को याद नहीं रहते। कंडलूर का युद्ध था, इसमें किसको हराया? चेरों को हराया। और कौन सी उपाधि धारण की? कंडलूर सालेकल मरुत की उपाधि इसने धारण की। ये एक ही नाम है, पूरा ध्यान रखना अपने इसको, काफी मोस्ट। कंडलूर मालेकल सालेकल मारुत, यह उपाधि धारण किसने की? राजराज फरतम ने की। कौन सी युद्ध में विजय के बाद? कंडलूर के जो कंडलूर का युद्ध है इसी के नाम पे यह उपाधि धारण की है, कंडलूर सालेकल मरुत की उपाधि इसने धारण की। इसके बाद में देखूं श्रीलंका जो है, इस श्रीलंका के शासक को भी इसने क्या किया था? पराजित किया था। श्रीलंका का शासक कौन था? महेंद्र पंचम। इस श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम जो है इसको भी हरा दिया। और इसका जो पश्चिमी साम्राज्य था उस पश्चिमी साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। और इसी श्रीलंका की विजय के उपलक्ष में इसने उपाधि जो धारण की थी वह कौन सी है? मुंडी चोलदेव है। मतलब श्रीलंका की उपाधि है मुंडी
चोलदेव धारण की थी श्रीलंका को जीतने के उपलक्ष में, और श्रीलंका का नाम जो है वो भी परिवर्तित करके इसने क्या रख दिया था, मुंडी चोल मंडलम ये नाम रख दिया था। हालांकि अजीब सा लग रहा होगा कि आपको सर ये नाम कैसे याद होंगे, देखो एक एक दो दो बार मेरे भी याद नहीं होते, एक दो बार आप इनको पढ़ोगे अच्छी तरह से, 5-7 दिन से रिवीजन करते रहोगे तो आसानी से ये आपको नाम याद हो जाएंगे। तो किसको हराया इसने, श्रीलंका का शासक था महेंद्र पंचम, इसको हरा दिया और इसके साम्राज्य को अपने साम्राज्य मिला लिया, और श्रीलंका का नवीन नाम क्या रखा, मुंडी चोल मंडलम। और श्रीलंका की विजय के उपलक्ष्य में कौन सी उपाधि धारण की, मुंडी चोल दिए। अब ये श्रीलंका का जो शासक था ना महेंद्र पंचम, इसकी एक राजधानी थी जिसका नाम था अनुराधापुर, इस अनुराधापुर को इसने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, तहस नहस कर दिया। और इसी अनुराधापुर के स्थान पे एक नया शहर बसाया जिसका नाम रखा गया पोलन रुआ, पोलन रुआ यह नाम रखा गया। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद में देखो इसके काल की अगली घटना, सबसे मेन क्वेश्चन, इसने तंजोर में एक मंदिर बनवाया था जिसे अपने इतिहास में राज राजेश्वर या वृद्धेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। काफी मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार ये कंपटीशन एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ है कि राज राजेश्वर मंदिर या वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो चोल शासक था राजराज फर्तम, अपने नाम पर इसका नाम रखा था, इसी को वृद्धेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि यह मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो कौन सी शैली है, द्रविड़ शैली है। देखो इतना ध्यान रखना, दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर है ना वो लगभग लगभग मंदिर जो है वो कौन सी शैली में है, द्रविड़ शैली में ही बने हुए हैं। यह मंदिर किस धर्म से संबंधित है, यह मंदिर अपने शैव धर्म से संबंधित है। क्लियर है। इसका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यह चोल वंश का पहला शासक था जिसने भूमि का सर्वेक्षण करवाया था, भूमि का सर्वेक्षण करवाने वाला पहला चोल वंश का शासक जो है वो भी कौन था, राजराज फर्तम ही था। ये था आपके राजराज फर्तम। देखो अपने 3-4 शासकों की बात कर ली है, मोटी मोटी चीजें वापस आपको बता देता हूं। प्रांतक फर्तम जिसका काल अपने 907 से 953 ईस्वी तक है, इसकी जानकारी अपने को उत्तर मेरुर अभिलेख से मिलती है, इसी अभिलेख से हमें चोलों के स्थानीय स्वशासन की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा प्रांतक फर्तम जो था इसने मदुरा को जीता था और उपाधि धारण की थी मदुरे कोण। दो युद्ध है, वेलूर का युद्ध और तकोलम का युद्ध, ठीक है। फिर आया था प्रांतक द्वितीय जिसे अपने इतिहास में सुंदर चोल के नाम से जानते हैं। फिर आया था आपके उत्तम चोल जिसने चोलों में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। फिर आ गया आपके सबसे मेन राजराज फर्तम, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, इसकी उपाधियां वगैरह इसके युद्ध वगैरह बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। देखो मेन क्वेश्चन, सबसे मेन क्वेश्चन तो इसका ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा इसका सबसे मेन क्वेश्चन है ये उपाधि कडलूर सालेकल मरुत की उपाधि। तीसरा इसका मेन क्वेश्चन है ये लोह एवं रक्त की नीति। चौथा मेन क्वेश्चन है आपके ये, वापस देख लो एक बार, राजराज प्रथम 985 से 1014 लगभग कितने वर्ष, 30 वर्ष, 9वें वर्ष में कौन सी अभियान पे निकला, विजय अभियान पे निकला। वास्तविक नाम क्या था इसका, अरुमोली। लोह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला कौन से नंबर का शासक था, ये दूसरे नंबर का। क्यों, क्योंकि इसका पितामह जो था प्रांतक प्रथम, इसने सबसे पहले लोह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। उपाध्याय इसकी राजराज है, जय गोणदेव है, मुंडी चोलदेव है, शिवपाद शेखर है और चोल मार्तंड है, ठीक है। पहला युद्ध है इसका सबसे फेमस युद्ध कणलूर का युद्ध, इसमें किसको हराया था, चेरों को हराया था, और कौन सी उपाधि ली, कणलूर सालेकल मरुत की उपाधि धारण की। दूसरा है इसने श्रीलंका की विजय की थी, श्रीलंका का शासक था महेंद्र पंचम, और श्रीलंका का नया नाम रख दिया था इसने मुंडी चोल मंडलम, ठीक है, और उपाधि कौन सी लिखती, मुंडी चोल देव। और इस श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम की राजधानी थी अनुराधापुर, इस अनुराधापुर को इसने बुरी तरह से तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया, और एक नया कस्बा बसाया इसका नाम रखा गया पोलन रुआ। क्लियर है इतनी बात। और इसी के समय
अपने तंजोर में एक मंदिर का निर्माण हुआ था जिसे अपने इतिहास में राज राजेश्वर मंदिर या वृद्धेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर कौन से शैली में है? द्रविड़ शैली में है और कौन से धर्म से संबंधित है? शैव धर्म से संबंधित है। देखो दक्षिण भारत का चोलों का कोई भी मंदिर पूछ ले आपको, चेर चोल पांडे इनका, तो सारे के सारे मंदिर है, 99% मंदिर जो है वो कौन सी शैली में है? द्रविड़ शैली में ही बने हुए हैं। तो ये था अपने आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बाकी चोल वंश के जो शासक है उनकी अपने चर्चा करेंगे। ओके।